हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण पटवा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल अबाउट में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट के बारे में। कुल पद 305 है। योग्यता डिप्लोमा वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक, मोबाइल और कंप्यूटर से कैसे आप आवेदन कर पाएंगे यह मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए कुछ बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूं। उसके बाद जो है आपको किस तरह आवेदन करना है यह बताने वाला हूं। इस तरह देख सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल बेंगलोर कर्नाटका द्वारा जो नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1973 यहाँ पे जारी किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एलटीटी पोस्ट बेंगलोर इनविटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग पासेड लर्निंग 2018 2019 एंड 2020 वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे है लिंक फ्रॉम कर्नाटका स्टेट। यह जो है फॉर्म सिर्फ कर्नाटका स्टेट वाले लोग के लिए ही एलिजिबल हैं। इस प्रकार 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1973। यहाँ ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ कर्नाटका राज्य के अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगे डिप्लोमा होल्डर्स। साथ ही यहाँ पे कैटेगरी टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 25 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 150 पोस्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 100, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का 25 पोस्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग का 5 है। यहाँ पे कुल पोस्ट जो है 305 है। यहाँ पे मिस टाइपिंग होकर यहाँ 205 शो कर रहा है, तो यह मिस टाइपिंग की वजह से है। टोटल पोस्ट 305 है। साथ ही यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड 10,400 रुपये दे होगा और ट्रेनिंग ईयर जो है 1 ईयर का होगा। इसमें मिनिमम एडुकेशन क्वालिफिकेशन का उल्लेख किया गया है। यह नोटिफिकेशन जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे एज लिमिट जो है मिनिमम मैक्सिमम जो है 25 इयर्स फॉर जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एज पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स। यहाँ पे एज लिमिट जो है काफी कम लिया गया है और साथ ही यहाँ पे जो पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं वे यहाँ पे नॉट एलिजिबल होंगे। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। यहाँ पे मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू और कोई भी एग्जाम नहीं होगा। और साथ ही यहाँ पे किस प्रकार जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है एनएटीएस पोर्टल पे, यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, इसका आप लोग उल्लेख कीजिएगा। जो कैंडिडेट एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वे पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का स्टेप दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे स्टेप टू भी दिया हुआ है, किस तरह आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हेतु अप्लाई करना है, उसका भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का टीए और डीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जनरल इंफॉर्मेशन जो है कुछ इम्पोर्टेंट जारी किया गया है, उसको आप लोग अच्छी तरह से देख लें। इम्पोर्टेंट डेट्स में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/1/2021 से शुरू है और लास्ट डेट 19/1/2021 है एनएटीएस पर रजिस्ट्रेशन करने का। और साथ ही लास्ट डेट फॉर अप्लाई जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए 22/1/2021 है। डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड जो है 27/1/2021 को शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 3/2/2021 को होगा। साथ ही यहाँ पे एनी क्वेरी रिलेटेड के लिए आप जो है इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं।
लिस्ट जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट, यहाँ पे दिया हुआ है। और केस न्यूज सेक्शन इन होम पेज पे जो है जारी किया जाएगा। तो इसमें जो है प्लीज विजिट दिस सेक्शन ऑफ द वेबसाइट ऑफ एनी अपडेट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड मैक्सिमम डिटेल्स विल बी पोस्टेड इन द वेबसाइट लिंक ओनली। साइट का अध्ययन आपको हमेशा रेगुलरली करना है, जिससे आपको आपका चयन प्रक्रिया की जानकारी जो है आपको मिल सके। तो इस तरह जो है 3 पेज का यह नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लें। देख लेने के बाद जो है आप लोग अपना योग्यता के अनुसार जो है यहाँ पे आप लोग अप्लाई करें। अप्लाई किस प्रकार करना है यह मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यह है भेल की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसी तरह के गवर्नमेंट न्यूज अपडेट मैं आपको चैनल के माध्यम से लेकर आता हूँ, जिसके माध्यम से आपको नॉलेजबल जानकारी मिल पाती है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है सबसे पहले NATS पोर्टल पे जाना है। वहां जाने के बाद जो है आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल, मोबाइल, यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको जो है एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद फाइंड एस्टैब्लिशमेंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है फाइंड एस्टैब्लिशमेंट के नीचे जो है सर्च एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट लिस्ट, सर्च क्राइटेरिया में प्रिफ्रेंस और एस्टैब्लिशमेंट के 2 रेडियो बटन दिखाई देंगे, जिसमें आपको एस्टैब्लिशमेंट नेम रेडियो बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्लीज एंटर एस्टैब्लिशमेंट नेम वाले भाग में आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टाइप करना है। टाइप करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शो करेगा। इसमें आपको जो है स्टेट देखना है कि यहाँ पे कर्नाटका स्टेट से निकला है, तो इसको आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देख रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहाँ पे ग्रेजुएट सेंट्रल साउथ रीजन कर्नाटका यहाँ पे शो कर रहा है, कर्नाटका स्टेट से निकला है। तो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है एडुकेशन टाइप ग्रेजुएट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ग्रेजुएट वाले का रजिस्ट्रेशन आईडी मेरे पास है, तो उनके आईडी से लॉगिन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है। यहाँ पे जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट से NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए होंगे उन्हें पोर्टल पर एस्टैब्लिशमेंट नेम फाइंड करने के बाद ग्रेजुएट शो करेगा, और जो डिप्लोमा से किए होंगे उन्हें डिप्लोमा शो करेगा। NATS पर जिस एडुकेशन टाइप से रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है शो करेगा एडुकेशन टाइप में। यदि यहाँ पे डिप्लोमा से किए होंगे तो डिप्लोमा शो करेगा, ग्रेजुएट से अपने NATS पर रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो ग्रेजुएट शो करेगा। तो इस तरह आपको जो है यहाँ पे पेज को जब जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह शो करेगा कर्नाटका बेंगलोर। साथ ही यहाँ पे एक अप्लाई बटन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पे एक अप्लाई बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन ऐसा एक ग्रीन कलर में मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह आपका जो है अप्लाई सक्सेसफुल हो चुका है। जो अभ्यर्थी NATS पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए गए हैं वो पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यह आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि
जो लोग अपने मोबाइल के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं वो अपने मोबाइल में इंस्टॉलेड गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर ले। ब्राउजर को ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड के टॉप में 3 डॉट बटन दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स दिखाई देंगे, उसमें आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल करके फॉर्म को अप्लाई करना है। आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत होने पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका हेल्प करूंगा। साथ ही इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।